हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मिथुन लड़ीवाला बैक अगेन विथ अ रेमेडी विच इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड बाय आवर मेंटर्स, बट आई एम हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस अबाउट दिस रेमेडी. आई हैव लर्नड दिस रेमेडी फ्रॉम HHF थैंक्स टू ऑल माय मेंटर्स, ऑल माय गुरुज, मिलिंद राव सर फॉर दिस. ये रेमेडी ऑलरेडी मयूर सर ने शेयर कर चुके हैं और थ्री नाइस मैन इन्होंने भी शेयर कर चुके हैं, तो आप ये दोनों के वीडियोस देखिए और उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि ये रेमेडी के बारे में कॉमनली नहीं बताया हुआ है. ओके, और ये रेमेडी का मेरा क्या एक्सपीरियंस है मेरी प्रैक्टिस का, और मैं इस रेमेडी का क्या फील एक्सट्रैक्ट कर पाया हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा. सो मेरे पास जो भी काली ब्रोम, यस वी आर टॉकिंग अबाउट काली ब्रोम. सो काली ब्रोम के जो केसेस जो मेरे पास आए हैं उससे मुझे एक फील आया है जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं. ये जो केसेस है ये कॉमन चार केस मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस, जिसके चारों की एक ही फीलिंग मुझे आई. उसके बाद ये फीलिंग पे मैंने काली ब्रोम प्रिस्क्राइब किया हूं और उससे मुझे रिजल्ट मिले. ओके, तो एक केस में पेशेंट की कंप्लेंट ये थी कि सर मुझे पूरे बॉडी में सिर्फ लेफ्ट साइड में ही स्वेटिंग होती है और इससे मैं बहुत परेशान हूँ और ये क्यों होती है मुझे मालूम नहीं. मैंने सारे टेस्ट करा लिए पर लेफ्ट साइड में क्यों होती है इसका आंसर मुझे नहीं मिला, और ये कभी भी इसका अटैक मुझे आता है, कभी भी पसीना आना चालू हो जाता है. मैं शादी में हूँ, पार्टी में हूँ, घर में हूँ, नींद में हूँ, दिन में हूँ, रात में हूँ, कुछ पता नहीं, पर इसका अटैक कभी भी आता है मुझे. ओके, और इससे मैं परेशान हूँ, इसकी कोई दवा नहीं है, मैं सब दवाई कर चुकी हूँ. तो ये पेशेंट इतना परेशान था ये प्रॉब्लम से, इसको कोई हल नहीं मिल रहा था. सेम सेकंड केस में एक लेडी आई मेरे पास, ऑलमोस्ट 60+ ईयर्स की थी. उसको सिर्फ और सिर्फ संडे को ही फीवर आता था और ऐसा कितने दिनों से चल रहा था, ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा. सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल, अगेन यहाँ पे भी वही मसला कि सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, क्यों हो रहा है ऐसा. सर मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे से कोई गलती हुई है, ऊपर वाला मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, ये सारे उसके वर्ड्स थे. ठीक है, जो कॉमन है, डिल्यूजन, ही इज ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजेंस. वेंजेंस मतलब पनिशमेंट. ये तब फील होता है काली ब्रोम्स को जब उसे ये फीलिंग होती है कि मैंने कुछ गलत किया है लाइफ में, शायद इसके कारण मुझे इसका पनिशमेंट मिल रहा है. ओके, और कई बार वो काली ब्रोम्स के जो भी डिजीज होती है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन मार्क होता है कि क्यों मैं, ये फीलिंग आता है इनको. और ये लेडी को भी फीवर ऐसे ही आ रहा है. मैं सब चीजें पूछ लिया, मैंने IPR निकाला, फैमिली हिस्ट्री पूछा कि वाई संडे. मुझे थॉट हुआ कि यार संडे को शायद कोई स्ट्रेस होता होगा इसको, घर पे किसी व्यक्ति से संडे को छुट्टी होती है उसी दिन ये व्यक्ति प्रेजेंट रहता होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं था. ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, IPR में सब अच्छा है, सब बढ़िया है, खाते पीते घर की है, पेरेंट बच्चे अच्छे हैं इसके, फिर भी इसको फीवर आ रहा है. तो अगेन ये भी परेशान, वाई मी, क्यों ये बीमारी पीछे लगी है. डिलीजन परसिक्यूटेड ही, चलते आ रहा है, डिलीजन परसुएड ही वॉज, है ना, ये सब तो मिल रहा है. लेकिन एक थॉट प्रोसेस, ये दो केस हो गया. तीसरा केस, एक लेडी है मेरे पास जिसको पूरे हाथ में पूरे क्रैक्स है, इतने क्रैक्स है दोनों हाथ में, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड, अकेले खुद ही सब करना पड़ता है, खाना इसी को बनाना पड़ता है,
सारी जनरेशन में सबको ये क्रैक्स है, तो इसको सबसे ज्यादा क्रैक्स है, ठीक है। और ये बहुत परेशान है कि क्यों ऐसा, ये ठीक क्यों नहीं होता, इतने मोटी थिक कैलोसिटीज और उसके अंदर क्रैक्स। सब दवाई हो गई, उसके बाद हार के अपने पास आई, सारे स्किन डॉक्टर्स हो गए, तो भी वो कभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जेनेटिकली सारी बहनों को है और बच्चियों को भी। तो ये पर्सिक्यूशन आपने देखा, ये जीन्स में था, ओके। तो ये जो फील है, तो ये तीन केस से हमें ये फील आता है कि एक क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ, दैट इज, तो पेशेंट क्या फील करता है क्वेश्चन मार्क को, लाइट डिजायर फॉर, है ना, कि क्यों मैं, और ये क्यों हो रहा है मुझे, इसका कोई रीजन मेडिकली भी नहीं मिलता है ना। तो हमें क्या फील आएगा, डॉक्टर को क्या फील आएगा एक काली ब्रोम्स को लेके, कि यार मतलब ये क्यों सफर हो रही है, ऐसा इसने क्या बुरा किया कि ये सफर हो रही है, कोई रीजन नहीं मिल रहा। सफर क्यों हो रही है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है, कोई रीजन नहीं मिल रहा, कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, या कोई ऐसा कोई भी मेडिकल सिस्टम में इसका इलाज नहीं दिख रहा। तो हम क्या बोलेंगे ना, यार इसको ना श्राप दिया है किसी ने, या ये श्रापित है। जो सफर होता ना, श्रापित लोगों को क्या होता है, पीड़ा होती है और सफर होते, ऐसा मानते हैं। कि तो ये फीलिंग आई आप, ये मुझे फीलिंग आई, ये मेरी पर्सनल फीलिंग थी, कि ये जो जितने भी काली ब्रोम केसेस मैंने देखे, कि मुझे ऐसा लगा कि सब अच्छा है लाइफ में, पर ये सब अच्छा इज व्हाट, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ पेशेंट खुद इस तरीके से बोलता है कि सब अच्छा है, सर सब है मेरे पास, पैसा है, जायदाद है सब, पर ये बीमारी ठीक नहीं हो पाई, पर ये पैसा कोई काम कर नहीं। दिस इज डिल्यूजन, मनी सीव्ड अप इन क्लोथिंग, कि मतलब होने के बावजूद भी मैं इसको ठीक नहीं कर सकती, किसी के पास इसका इलाज ही नहीं है, ये रिपोर्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा, ये रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा कि कैसे ठीक करे, डॉक्टरों के पास जवाब नहीं है। ऐसे भी अगर केसेस आए और ये फीलिंग आए आपको, पूरा सारांश आपको ये मिले कि यार इसको ये क्यों है ऐसा, तो आप सोचना काली ब्रोम के बारे में। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है इस रेमेडी को लेके, जो मैं आज आपसे शेयर किया हूं। अब मास्टर लोग ने क्या बोला, ऑथर्स ने क्या बोला, ये सुनेंगे काली ब्रोम के बारे में, कि व्हाट इज काली, काली इज ड्यूटी, प्रिंसिपल, वर्क, है ना, एंड फैमिली, टास्क। एंड व्हाट इज ब्रोमियम, ब्रोमियम इज एस्केप, गिल्ट, रेस्टलेसनेस अबाउट दिस। तो ये थीम है, ओके। सो ऑथर्स ने क्या बोला है, शंकरन सर ने क्या बोला है, ये सब पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इन लोगों को ये फील होता है कालीज के बारे में, और काली ब्रोम के बारे में भी हमने एक ये फिक्स प्रिंसिपल हमारे दिमाग में है कि यही चीज में हम प्रिस्क्राइब करेंगे, डिलीजन वेल्थ और मनी सीव्ड इन क्लोथिंग। ऐसा नहीं है, बहुत सारे और शेड्स है काली ब्रोम के, उसमें से एक शेड ये है कि इनको ये फीलिंग होता है अंदर से कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और ये मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और इस ये गिल्ट होता है इनको कि ये ड्यूटी में, व्हाट इज काली इज ड्यूटी एंड व्हाट इज ब्रोमियम इज गिल्ट। सो इफ आई विल नॉट परफॉर्म माय ड्यूटी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू आर माय फैमिली, पेरेंट्स और माय गार्डियंस, और जो या जो मुझे सिखाए हैं, जो मुझे पढ़ाए हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग जो ये ड्यूटी है, अगर मैं उस तरीके से नहीं परफॉर्म करूं, उस प्रिंसिपल से नहीं परफॉर्म करूं, तो ये गलत है, और ये गलत है, इस चीज का मुझे गिल्ट है। दिस इज काली ब्रोम, गिल्ट इफ नॉट परफॉर्म्ड हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। तो इसमें गिल्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो काली ब्रोम्स को ये देखा गया है कि इनके जो पेरेंट्स है, इनकी जो फैमिली है, ये बहुत ही हाईली मॉरलिस्टिक होती है,
रिलीजियस होती है, हाई मॉरल वैल्यूज वाले होती है, स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से होते हैं कालीब रोम्स, तो उनको जो रास्ता सिखाया जाता है वैसा ही परफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर खाना खाने बैठ रहे हैं तो थाली पे पानी डालना चाहिए, या हमने भगवान को नमस्कार करना चाहिए, उसके बगैर खाना नहीं करना खाना चाहिए, ये एक पार्ट हो गया। हमने गलत चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। अब गलत चीज़ें क्या होती है, जैसे सेक्सुअल थॉट्स, तो कालीब रोम इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर अ हाई सेक्सुअल डिजायर्स ऑल्सो। बट क्या होता है ना, मॉरलिस्टिकली उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है या ऐसा उनके दिमाग में डाला जाता है कि उनको ये फील होता है कि ये करना गलत है। पर प्यूबर्टी जब आती है तो ये फीलिंग कॉमन है सबको लेके, ये डेवलप होती है, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं एज के अकॉर्डिंगली वो डेवलप होने के कारण ये फीलिंग्स आना कॉमन है। तो पर कालीब रोम को ऐसा ट्रेन किया जाता है जिसके कारण उनको ये फील होता है कि यार ये थॉट्स तो आ रहे हैं मेरे मन में, जो भी आ रहे हैं अलग अलग, फैंसीज विमिड, फैंसीज लेशिवियस, ये सब उसके ब्रेन में होता है, अलग अलग फैंसीज होती है सेक्सुअल डिजायर को लेके, ठीक है। सेक्सुअल फैंटेसीज होती है, तो उसको ये आने के बाद ये फील होता है कि ये मैं गलत सोच रहा हूं। जैसे ऐसा ही फीलिंग साइक्लामैन, लिलियम टीग, ये सब में भी है, तो कालीब रोम में भी यही फीलिंग है कि मैं ये गलत सोच रहा हूं, मॉरलिस्टिकली ये रॉन्ग है, पर इससे कंट्रोल नहीं होता है ना, इसीलिए ये गिल्ट में जाता है, ये कालीब रोम है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि कालीब रोम के लिए ना प्यूबर्टी बहुत डिफिकल्ट होती है। क्यों? प्यूबर्टी में क्या होता है ना, हम एक खुद का डिसीजन लेना चालू करते हैं, अगेंस्ट पेरेंट जाना चालू करते हैं, अगेंस्ट पेरेंट के डिसीजन से जाना चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अपनी फैंटेसी चालू हो जाती है। उन प्यूबर्टी में आने के बाद बच्चों को ये फीलिंग आती है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, पर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये नहीं कर सकता अभी, ये अभी अब बच्चा है ना, तो ये कन्फ्लिक्ट चालू होता है प्यूबर्टी में। और इसी कारण से कालीब रोम के लिए प्यूबर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक और रूबरी के बहुत अच्छा, एंजाइटी डेंटिशन ड्यूरिंग, इसी से रिलेटेड अगर आप लिंक करोगे तो, व्हाट इज डेंटिशन, डेंटिशन में बच्चा इंडिपेंडेंट होना चालू होता है, क्योंकि दांत आने के बाद तो वो चबाने लगेगा खुद से, इसके पहले मदर के भरोसे, दूध के भरोसे। तो एंजाइटी डेंटिशन ड्यूरिंग, वैसा ही प्यूबर्टी से रिलेटेड, डेंटिशन में क्या होता है अगेन इंडिपेंडेंट होता है, वैसे ही प्यूबर्टी में भी कि मैं कैसा करूँगा आगे, क्या करूँगा, है ना, फैंटेसीज तो मेरी ये है पर मॉरलिस्टिकली ये गलत है, तो ये कैसा होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम कालीब रोम के साथ होती है, और अगर उसको ये फीलिंग आगे आगे गलत है तो उसको गिल्ट होता है, और ये गिल्ट उसको ऐसा फील होता है कि मैंने कितना बड़ा क्राइम किया है, डिल्यूजन ही हैज कमिटेड अ क्राइम, ओके। और सो वी हैव अ ब्यूटिफुल रूब्रिक, डिल्यूजन इन्फ्लुएंस, वन इज अंडर अ पावरफुल इन्फ्लुएंस, डिल्यूजन ही इज अंडर अ सुपर ह्यूमन कंट्रोल। ये सुपर ह्यूमन, ये पावर, ये इन्फ्लुएंस कौन है, ये जो स्ट्रिक्ट फैमिली है, ये स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड है, ये है सब, ओके। तो इससे वो बाहर नहीं आ पाता है इसके, और उनको इस चीज का कांस्टेंट फियर होता है, फियर कांस्टेंट ऑफ बीइंग, कि कोई मुझे देख रहा है, डिल्यूजन शी इज बीइंग वॉच्ड, मतलब मैं जो भी मॉरल, जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो मॉरलिस्टिकली राइट है कि नहीं, इतना डर होता है इनके अंदर कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, अगर गलत करूंगा तो ये क्राइम कहलाएगा, यानी क्योंकि उसके मन में वैसा गिल्ट होता है ना। एक रूबरी का रेस्टलेसनेस इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो अब सेक्सुअल एक्साइटमेंट तो है बट रेस्टलेस क्यों है,
अगेन सेम, डिजायर है बहुत पर कर नहीं सकता क्योंकि मन में गिल्ट है या मन में ये फीलिंग है कि ये चीज करना गलत है, इसलिए रेस्टलेसनेस होता है ना। तो काली ब्रोम हमेशा उनको ये फीलिंग होता है कि मुझे जिसका सपोर्ट चाहिए फैमिली का, वो कांस्टेंट उनसे मुझे इंजुरी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको मॉरलिस्टिकली वैसा डेवलप किया है, तो कोई मुझे देखेगा, मेरी गलती निकालेगा और मुझे पनिश करेगा। ये फीलिंग काली ब्रोम का कॉमन है, ये फैमिली वाले मेरी गलती निकालेंगे, इसका इनको डर होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये जो फीलिंग है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है, उसको ऐसा फीलिंग होता है यार कोई मेरे को देख तो नहीं रहा कोई भी काम करते टाइम। ठीक है, उसको ये माइंड में ऐसा लगता है कि मैं इससे कुछ गलती ना हो जाए, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। सस्पिशियस, लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन ये है ना, मतलब वो उसको कोई तो भी देख रहा है, ये फीलिंग कॉन्स्टेंटली होता है। क्यों होता है ना ये फीलिंग? क्योंकि इसके अंदर बहुत सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं कंटिन्यू, थॉट्स सेक्सुअल, निम्फोमेनिया थॉट्स सेक्सुअल, माइंड मेनिया वाइल्ड, इंसैनिटी इरोटिक, फैंसीज लैशिवियस, फैंसीज एक्सल्टेशन ऑफ, डिलीरियम वाइल्ड, डिलीरियम इरोटिक, अमेटिवनेस। ठीक है, और ये सब चीजों के कारण ही वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है कई बार, और उसको ये गिल्ट वाला फीलिंग आता है ना। और गिल्ट आने के बाद क्या लगता है उसको, गिल्ट करने के बाद या लाइफ में उसने जो भी कुछ काम किया ऊपर जाने के लिए, अपने फैमिली के हिसाब से चलने के लिए, ये बहुत इंडस्ट्रियस होता है, बिजी फ्रूटलेसली, हमेशा बिजी रहेगा, ड्यूटी में रहेगा ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, है ना। और ये करते करते अगर इससे कुछ गलती हो जाती है, कुछ फैंसीज के कारण, कुछ इच्छाओं के कारण, वाजिब है। ठीक है, कहीं ऊपर पहुंचना है ना, तो उस चीज में कोई आदमी थोड़ा सा, एक छोटा सा गलत रास्ता अपना लेता है, तो उसको ये गिल्ट आता है कि मैंने गलत किया, है ना। तो ये इसका रूब्रिक है कि डिलीजेंट क्राइम ही हैज कमिटेड, डिलीजेंट रॉन्ग ही हैज डन, एंड डिलीजेंट पुलिसमैन कमिंग टू हिज हाउस, ही सीज अ पुलिसमैन, कोई आके मुझे पकड़ेगा, ये मेरी गलतियां निकालेगा, जनरली घर वालों के साथ ही। डिलीजेंट कंस्पायरेसीज अगेंस्ट हिम, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे। डिलीजेंट थीव्स अक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग ही हैज बीन, अगेन कि मेरे पे उंगली उठाई गई है, मेरे से गलती हुई, ये उसका फीलिंग होता है क्योंकि वो गलती करता है और ऐसा सोचता है। डिलीजेंट निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, और फिर काय में जाता है, सैडनेस, पोल्यूशन फ्रॉम। है ना, तो व्हाट इज सैडनेस, पोल्यूशन फ्रॉम। पोल्यूशन मतलब क्या, पोल्यूशन हम कब वर्ड यूज करते हैं, जब एयर पोल्यूट हो जाती, कंटामिनेट हो जाती, वैसे ही थॉट्स पोल्यूट हो जाते हैं। प्योर थॉट्स जो उसके अकॉर्डिंगली जो थे, जो फैमिली के अकॉर्डिंगली जो रखने चाहिए थे, जो काम करना चाहिए था, जो ड्यूटी, वो उसमें अगर उसने एक भी गलती कर ली तो उसको लगता है कि कंटामिनेट हो गया, और उसको ये फीलिंग आता है कि मेरे से गलती होगी, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन से वो सैडनेस में जाता है, है ना। और उसको अब लगता है कि मुझे अब गॉड पनिश करेगा, या ये जो भी हो रहा है गलत लाइफ में, ये मेरी गलती है, मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, मुझे ऐसा सिखाया गया था कि ये सही करना है। तो छोटा सा भी, जैसे आज हर गवर्नमेंट के काम में कहीं ना कहीं घूस देना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, है ना। काली ब्रोम के साथ अगर कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ से लिंक करेगा कि ये मैंने गलत रास्ता अपनाया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आई एम इल्यूजन फॉरसेकन बाय गॉड, ऊपर वाले ने मुझे अकेला छोड़ दिया। या दूसरा एस्पेक्ट ये सोच सकते हैं, हु इज गॉड, गॉड इज मदर, और हम जिसको बहुत मानते हैं वो गॉड है। अगर हमारे फैमिली वाले, अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, जिनको हम पूछते हैं, मानते हैं, जिनको, जिनके बिना हम एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं लेते, वो भी गॉड हुआ।
और या जिन्होंने हमें सारी चीजें सिखाई, मॉरल सिखाया, ड्यूटी सिखाई, वो भी गॉड हुआ। और हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा? डिल्यूजन। गॉड ही इज ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजेंस। वेंजेंस मतलब पनिशमेंट, और गॉड मतलब हमारे मदर फादर, जिन्होंने हमें इस बताया कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो उनसे हमें पनिशमेंट मिलेगी। ये फीलिंग भी हो सकता है। इसीलिए कालीब्रोम हमेशा एम्बेरेस फीलिंग में होता है कि यार मेरे से गलती हो गई, ग्रीफ में चले जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर सनवरी, डर जाता है। कालीब्रोम बच्चे जो होते हैं वो हमेशा डर में होते हैं। फियर इन चिल्ड्रन, ऐसा एक रूपरेख है। क्यों? व्हाई फियर इन चिल्ड्रन? बिकॉज दे हैव फियर दैट दे विल गेट अ पनिशमेंट, और उनसे गलती हो गई तो घर से चिल्लाएंगे, मुझे कोई ना कोई डांटेगा, है ना। हेंस दे आर ऑलवेज इन, कालीब्रोम्स आर ऑलवेज इन एंटीसिपेशन, क्यों मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, है ना। और कालीब्रोम को ये फीलिंग आता है कि ये जो मैंने किया हूं उससे मेरा रेपुटेशन लॉस हो गया, इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम रेपुटेशन लॉस ऑफ मैं भी, है ना। जो भी गलतियां हो गई है जिसके कारण लोगों को पता चल गया, तो वो गिल्ट में चले जाता है और उससे उसका रेपुटेशन लॉस वाला फीलिंग भी आता है, ठीक है। Hence, कालीब्रोम इज इन डिल्यूजन सैडनेस विथ इम्पोटेंसी, मतलब सब कुछ है लाइफ में, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ में है, पर आता है और चले जाता है। ऐसा एक केस बताता हूँ आपको कि एक पेशेंट था मेरे पास जो एजेंट था रियल इस्टेट में, तो वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कस्टमर लेके आता था। उसके पास बहुत कस्टमर्स थे, उसकी पहचान बहुत थी, तो ठीक है। बट अब अगर वो उनको प्लॉट फ्लैट दिखाता था, लोग फाइनल करते थे, और जब रजिस्ट्री की बात आती थी तो कैंसल हो जाता था। रजिस्ट्री की बात आती थी कैंसल, ऐसे उसके साथ कितने हो गए, ठीक है। तो वो यही बोलता था, सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्या बताऊँ सर, बट जब आयन बात पे, जब मेरे पैसे की बात आती ना, अब ऐसे मुंह तक आता है, बोले नहीं वाला और चले, मुंह तक आता है नहीं वाला चले जा, तो हाथ से केस निकल जाता है और मेरा लॉस हो जाता है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ सर। व्हाट इज दिस डिल्यूजन? ही कैनॉट पास थ्रू अ सर्टन पॉइंट, मतलब ये बस अब रजिस्ट्री की बात आई, ये पॉइंट है, तो यहाँ और रजिस्ट्री हुई तो मुझे पैसा मिलेगा। तो इतना मेहनत करने के बाद भी रजिस्ट्री तक पहुंचने तक पैसा आता है, आने वाला रहता है और चले जाता है। दिस इज डिल्यूजन कैन नॉट पास थ्रू अ सर्टन पॉइंट ही इज, है ना। क्या पहचान बहुत है, डिल्यूजन वेल्थ, इतने गिराई थे मेरे पास, पर मैं उनको दिलाता हूँ चाहता हूँ, वहां कैंसिल हो जाता है कोई ना कोई कारण से। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं तो ऐसा कुछ गलत कर नहीं रहा हूं, या पहले शायद मैंने कुछ गलतियां की है, ऐसा बोला उसने, शायद उसके कारण मेरे आज अच्छे काम नहीं हो रहे। है ना? सो दिस इज अगेन ड्यू टू एंजाइटी कंसर्न्स। और एक बहुत अच्छा रूबरिक है जिसका मैं अर्थ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है जिससे मैं समझ पाया हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। डिल्यूजन वुमेन, लेविड वुमेन, हिज मदर हाउस इज इन्वेडेड बाय। सो व्हाट इज लेविड वुमेन एंड व्हाट इज मदर हाउस इज इन्वेडेड बाय? मतलब मदर हाउस इज व्हाट? जो उसके फैमिली ने उसको जो थॉट प्रोसेस सिखाई स्ट्रिक्ट माहौल में, या जो मॉरलिस्टिकली जो उसको जो सिखाया है, वो खुद नहीं कर पाया, और उसके जो कंटामिनेटेड थॉट्स थे वो आज उस मॉरल्स में अंदर आ गए, है ना। तो वो जो कंटामिनेटेड थॉट्स है वो है लेविड वुमेन, और मदर हाउस क्या है? जो बचपन से जहां जो थॉट्स में वो रहा है, जो मॉरल्स में वो रहा है, वो मदर हाउस हो गया, ठीक है।
किसने कंटामिनेट किया? बैड थॉट्स, और इसके कारण वो आज सब भुगत रहा है ना। सो हैंस डिल्यूजन मनी सीव अप इन क्लोथिंग, हैंस डिल्यूजन परसिक्यूटेड इज एज इन लाइट डिजायर फॉर। सो इसी कारण से ये क्या करता है, हेल्पलेसनेस फीलिंग में जाता है और मोर्निंग अबाउट द फेट, सिंगल है काली को कि अपने किस्मत के बारे में बोलता है, बात करता है कि यार ये मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने ऐसा किया रहता तो, ये किया रहता तो आज ये हो जाता, नहीं तो आज मुझे ये पनिशमेंट नहीं मिलती। डिल्यूजन डिप्रेसिव एंड डिस्पेयर अबाउट इज सल्वेशन, कि अब कैसे मुक्ति मिलेंगी मुझे, मेरे से ये गलती हुई है ना। सो ये मेरा फीलिंग था कालीब्रोम का जो मैंने आपसे शेयर किया हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप भी ये जो फील है आप शेयर करिए, इस पर प्रिस्क्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सबको वीडियो फॉरवर्ड करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, वी विल मीट अगेन विथ अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।